कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने रायपुर लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक ली और पदाधिकारियों से चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान विकास उपाध्याय ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जनता की भावनाओं के साथ भाजपा ने खिलवाड़ किया है। बता दें कि रायपुर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के विकास उपाध्याय, जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल से होगा। रायपुर लोकसभा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक मार्गदर्शन बैठक हम लोगों ने की है कि किस प्रकार से विधानसभा में जाना है, किस प्रकार से 9 विधानसभा हैं और पूरे लोकसभा में क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या चीजों को लेकर हम जाएंगे, किन मुद्दों पर हमको चर्चा करना है, इन तमाम चीजों को लेकर एक रणनीति हम लोगों ने बनाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी वो दिन भूल गई जब 14 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 15 साल सरकार में रहने के बाद 14 सीट पर आप सिमट कर रह गए, ये कोई सोचने की बात, ये आश्चर्य की बात नहीं है। अभी आज उनकी सरकारें बनी हैं, किस प्रकार से झूठ बोल के, किस प्रकार से लोगों को मिसगाइड करके वो सरकार बनाना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके सरकार जनता के वोट को लेना चाहते हैं, ये तो सब जन जानते हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो लोकतंत्र में मतदाता का अधिकार है, मतदाता का अधिकार मतदान देना है, उसका फैसला भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। जगदलपुर नगर निगम की कांग्रेस पार्षद 2 महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस भवन में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष ने तू तड़ाक से बात कर उनका अपमान किया, इसी के चलते कांग्रेस से इस्तीफा देना सही समझा। हम लोग इस्तीफा दीपक बैज को दिए, प्रदेश अध्यक्ष, और इसलिए दिए कि सुशील मौर्य हम लोगों के साथ व्यवहार गलत किए, चिल्लाए वहां पे सभी लोगों के सामने। उस दिन कुछ न्यूज रिपोर्टर भी थे और सारे पार्षद थे और महापौर जतिन भैया और हमारे पूर्व विधायक भी थे और प्रवेक्षक प्रमोद दुबे भी आए हुए थे। उनके सामने हम लोगों को बेइज्जती किया गया, मतलब इतना अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, तू तड़ाक से बात किया गया, सम्मान को ठेस पहुंचा। और यही नहीं, 6 महीना से ऐसे ही चलते आ रहा है, कभी भी ढंग से बात नहीं किए हैं और बोलते हैं मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या वोटिंग के दिन बंद कर दिए थे? वोटिंग के दिन सारे पार्षद को वहाँ पे अंदर कर दिए थे कांग्रेस भवन में।